रांची जेल में थे, मिलने गए थे, दूसरे के लिए हम गए थे, दूसरे के लिए एम पी बना दिए कांग्रेस पार्टी, हम लोग एक तुम बन जाओ। और माननीय सोनिया गांधी जी को वहीं से टेलीफोन किया हमने। देखिए जेल जेल में उनका कोई जेल मैनुअल का पालन नहीं करते थे, जेल मैनुअल में उनको हटवार जेल में झारखंड के अंदर खुल कर करके एक राजसी जिंदगी का अवसर मिलता था। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एक बयान से बिहार में राजनीति तेज हो चुकी है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जब वे रांची के होटवार जेल में चारा घोटाले के मामले में सजा काट रहे थे तो उनके पास मोबाइल था। लालू यादव ने यह भी माना कि जेल से ही वे मोबाइल के जरिए सोनिया गांधी और अहमद पटेल जैसे नेताओं के संपर्क में रहते थे। बता दें कि बिहार के कांग्रेस मुख्यालय के सदाकत आश्रम के मंच पर सार्वजनिक तौर पर उन्होंने ये बातें कही है। लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि जब वो रांची में जेल में बंद थे तब उन्होंने अखिलेश प्रसाद सिंह को राज्यसभा एमपी बनाने के लिए सोनिया गांधी से बात की थी। अखिलेश मांग के नहीं बने एमपी, इनको जबरदस्ती हम बनाए हैं अखिलेश को। रांची जेल में थे, मिलने गए थे, दूसरे के लिए गए थे, दूसरे के लिए एमपी बना दिए कांग्रेस पार्टी, हम लोग एक तुम बन जाओ। और माननीय सोनिया गांधी जी को वहीं से टेलीफोन किया हमने, कांग्रेस के नेताओं को, शीर्ष नेताओं को फोन किया, अहमद भाई को फोन किया, अहमद भाई को। दरअसल गुरुवार को सदाकत आश्रम में कांग्रेस की तरफ से बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की 136वीं जयंती मनाई जा रही थी। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने लालू प्रसाद यादव की जमकर तारीफ की। लालू प्रसाद यादव के सम्मान में उन्हें सोने का मुकुट भी पहनाया गया। इसके बाद जब लालू प्रसाद यादव की बोलने की बारी आई तो उन्होंने बीजेपी और जातिगत आधारित जनगणना पर जमकर बोले, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद से बिहार में राजनीति तेज हो चुकी है। वहीं लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद से बीजेपी के नेता विजय सिन्हा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। विजय सिन्हा ने लालू यादव पर हमला बोलते हुए क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। के जेल जेल में उनका कोई जेल मैनुअल का पालन नहीं करते थे, जेल मैनुअल में उनको हटवार जेल में झारखंड के अंदर खुल कर करके एक राजसी जिंदगी का अवसर मिलता था। सारी व्यवस्था रहती थी, फोन से सोनिया गांधी से बात करते थे। आप इसी से अंदाज लगा लें कि माननीय न्यायालय ने तो जेल में दिया था एक भ्रष्टाचारी को सुधरने के लिए, उसके पाप के किए कर्मों का पश्चाताप करने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति जेल के अंदर अय्याशी कर रहे थे, जेल के मैनुअल को तोड़ करके सुख सुविधा प्रदान कर रहे थे। इसलिए जितनी सजा जेल के अंदर बीता है वो सजा फिर से इन पर लागू हो, क्योंकि ये जेल के मैनुअल को तोड़े हैं। जेल के अंदर अगर जो इस तरह के व्यक्ति को सही रूप से जेल की सजा नहीं मिलेगी, दंड नहीं मिलेगा, तो लोगों के बीच अपराध करने का, भ्रष्टाचार करने में भय नहीं रहेगा और ऐसे भ्रष्टाचारी अपराधी का मनोबल बढ़ते जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।